आज मैं आपको एक्सेल के कुछ इम्पॉर्टेंट शॉर्टकट की बताऊंगा। तो मैं हूं गुफरान टाइपिस्ट। वीडियो को पहले ही कर दीजिए लाइक और मैं वीडियो को शुरू करता हूं। देखिए दोस्तों, यहां पर हमने एमएस एक्सेल ओपन कर रखा है। पहले हमारी शॉर्टकट की है Alt प्लस इंटर। दोस्तों एक्सेल पर यह शॉर्टकट की बहुत काम की होती है। जैसे देखिए, अभी हम किसी भी सेल में गुफू लिखते हैं। अब इसी सेल में इसी वर्ड के नीचे अगर कुछ लिखना है तो अगर इंटर प्रेस करेंगे तो देखिए पूरी सेल चेंज हो जाएगी। तो दोस्तों एक्सेल पर एक ही सेल में किसी वर्ड के नीचे अगर कुछ लिखना है तो पहले इस पर कर्सर रखना है, इसके बाद F2 को प्रेस करके इसे एडिट करना है। अब Alt प्लस इंटर यानी कि वर्ड के लास्ट में कर्सर रखिए, उसके बाद Alt के साथ इंटर को प्रेस करना है तो सेल चेंज नहीं होगी बल्कि आपका कर्सर वर्ड के नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पर हम साइंस लिखकर इंटर प्रेस कर देते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। बताने का मतलब ये है कि एक ही सेल में अगर कोई वर्ड लिखना है तो Alt इंटर को प्रेस करके आप बहुत सारे वर्ड एक ही सेल में लिख सकते हैं। ओके, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारी शॉर्टकट की है किसी भी डेटा का चार्ट प्रिपेयर करने के लिए। जैसे देखिए, अभी हम अपने इसी डेटा का चार्ट प्रिपेयर करेंगे तो इसके लिए F11 यानी कि F11 को प्रेस करते हैं तो देखिए हमारा चार्ट प्रिपेयर हो चुका है। दोस्तों ऊपर देखिए, यहाँ से आप इस चार्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। ओके, अब चलिए चार्ट को डिलीट करना सीख लेते हैं। तो इसे डिलीट करने के लिए नीचे यहाँ पर चार्ट पर राइट क्लिक करना है, इसके बाद डिलीट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर भी डिलीट कर देना है। बस देखिए चार्ट डिलीट हो चुका है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो अगली हमारी शॉर्टकट की है F2 या डबल क्लिक। दोस्तों एक्सेल पर किसी भी सेल को मॉडिफाई करने के लिए डबल क्लिक या F2 का यूज़ किया जाता है। जैसे अभी हम किसी भी नेम पर डबल क्लिक करते हैं तो देखिए एडिट हो चुका है, अब इसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं। इसी तरह डबल क्लिक के अलावा F2 का भी यूज़ करके एडिट किया जाता है। ओके, इसके बाद जो हमारी शॉर्टकट की है वो बहुत ही काम की है। दोस्तों एक्सेल पर जब कोई लंबा डेटा टाइप करते हैं तो जब नीचे की तरफ कर्सर लाते हैं तो ऊपर के हेडिंग वाली रो छुप जाती है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा कर्सर नीचे की तरफ कितनी भी दूर चला जाए लेकिन हमारी हेडिंग हमारे सामने ही रहे। तो इसके लिए पहले फर्स्ट रो पर कर्सर को रखना है, इसके बाद Alt प्लस W प्लस F प्लस R यानी कि Alt को दबा के छोड़ दो और जस्ट WFR को प्रेस करना है। Alt WFR को प्रेस करने के बाद पहली रो फ्रीज हो जाती है। इसके बाद देखिए हम अपने कर्सर को नीचे चाहे जहां पर ले जाएं, अब हमारी पहली रो हमारे सामने ही रहेगी जैसा कि आप देख रहे हैं। दोस्तों इतनी बात आप समझ चुके होंगे। अब देखिए हम अपने कर्सर को साइड में खिसकाते हैं तो देखिए सारे कॉलम छुप जा रहे हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि जैसे हम रो को फ्रीज करते हैं उसी तरह कॉलम को भी फ्रीज करके इसे देखा जा सके तो इसके लिए फर्स्ट कॉलम पर कर्सर रखिए, इसके बाद Alt प्लस W प्लस F प्लस C यानी कि Alt W F C को प्रेस करना है। बस आपका कॉलम भी फ्रीज हो चुका है। अब आप ट्राई करके देखिए, पहला कॉलम फ्रीज हो चुकी है यानी कि अब आप कर्सर को साइड में कहीं पर भी ले जाएं, पहला कॉलम आपके सामने ही रहेगा। ओके, इसके बाद लास्ट में हम सीख लेते हैं कि अब इन्हें अनफ्रीज कैसे करते हैं। तो इसकी शॉर्टकट की Alt प्लस W प्लस F प्लस F होती है, लेकिन शॉर्टकट की नहीं बल्कि माउस से सीखेंगे। तो दोस्तों पहले आपको व्यू मेन्यू पर क्लिक करना है, इसके बाद यहाँ पर फ्रीज पैन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको अनफ्रीज कर देना है। ओके, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और टिप्स से जानेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर ना जाइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।